नितिन गडकरी मोदी शाह का छोड़ेंगे साथ, शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे नितिन गडकरी, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हुई तेज, ठाकरे के ऑफर पर बीजेपी ने भी दिया जवाब, उद्धव ठाकरे ने गडकरी को दिया बड़ा ऑफर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें 195 नामों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम शामिल रहा, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता नितिन गडकरी का नाम नहीं आया। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल मच गई, क्योंकि ये नाम पिछले 10 सालों में मोदी कैबिनेट का सबसे बेहतरीन नाम रहा है और उनके नाम के आगे शायद ही कोई मंत्री टिकता है। इसीलिए जब पहली लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं आया तो विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तो नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि ठाकरे ने गडकरी को बीजेपी छोड़ अपनी तरफ आने का ऑफर दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि नितिन जी छोड़िए बीजेपी, इस्तीफा दीजिए, खड़े रहिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिताकर दिखाते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका है। और नितिन जी सोडून द्या भाजपा, राह उभे आम्ही महाविकास आघाडी कडून तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही ना, तो त्यावेळेला आग्र्यावर आग्र्यामध्ये औरंगजेबासमोर कधी झुकले नव्हते छत्रपती शिवाजी महाराज, तर यांच्या समोर झुकणार? सोचिए, जो ठाकरे बनी बनाई शिवसेना को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, सत्ता के लिए जिस ठाकरे ने विपरीत विचारधारा से समझौता कर लिया, जो ठाकरे अपने विधायकों और सांसदों को नहीं संभाल सके, वो नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को चुनाव जिताने का दम भर रहे हैं। ये सुनने में हास्यास्पद जरूर है, लेकिन सच यही है कि ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र में अब भी वही मजबूत है, इसीलिए वो गडकरी को ऑफर देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी शाह उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सामने नहीं झुकना चाहिए, जबकि सच तो यह है कि गडकरी जैसे नेता ना कभी काम से समझौता करते हैं, ना लालच में आकर उद्धव ठाकरे की तरह सत्ता के लिए समझौता करते हैं। गौर फरमाइएगा, गडकरी के बहाने उद्धव ठाकरे मोदी शाह की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगरा में औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं झुके थे। और नितिन जी सोडून द्या भाजपा, राह उभे आम्ही महाविकास आघाडी कडून तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही, महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही ना, तो त्यावेळेला आग्र्यावर आग्र्यामध्ये औरंगजेबासमोर कधी झुकले नव्हते छत्रपती शिवाजी महाराज, तर यांच्या समोर झुकणार? लेकिन अब ये ठाकरे को कौन बताए कि 2019 में सत्ता के लिए उस पिता का बेटा समझौता उन लोगों से कर गया था जो राम को काल्पनिक मानते रहे, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाते रहे, लेकिन उद्धव को फिर भी ऐसे लोगों से समझौता करते हुए एक बार भी पिता बाल साहब ठाकरे की याद शायद नहीं आई होगी, इसीलिए उन्होंने पिता की विचारधारा के विपरीत जाकर सत्ता के लिए समझौता कर लिया। वैसे भी बाला साहब ठाकरे के विचार कांग्रेस के लिए क्या रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ठाकरे ने कांग्रेस से समझौता कर मुख्यमंत्री बनने की अपनी हसरत पूरी की। खैर, अब आ जाए ताजा खबर पर, जहां उद्धव ठाकरे खुलेआम नितिन गडकरी को अपनी तरफ आने का ऑफर दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें जवाब भी मिल रहा है। जी हां, उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि गडकरी हमारे प्रमुख नेता हैं, वो नागपुर से चुनाव लड़ते हैं। जब भाजपा की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी तो महायुति के सहयोगियों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी। एक बार महायुद्ध का निर्णय हो जाएगा और चर्चा होगी तो सबसे पहले गडकरी का नाम आएगा। ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या, असं सांगण्यासारखं आहे। खरं म्हणजे माननीय गडकरी साहेब हे आमचे मोठे नेते आहेत, महाराष्ट्राचा जेव्हा नंबर येईल ते महाराष्ट्रातनं नागपूरमधनं लढताल। ज्यावेळेस पहिली यादी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात आमची जी महायुती आहे त्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे महाराष्ट्रांच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही। महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितीनजींचं नाव येईल। त्यामुळे मला असं वाटतं की
हे जे काही या ठिकाणी स्वतःला मोठं दाखवण्याचा प्रयत्न उद्धवजी जे करतायत त्यांचं हसं होत आहे। फडणवीस ने अपने बयान से यह साफ कर दिया कि ठाकरे की हालत खुद इतनी खस्ता है कि वो इस लायक नहीं है कि किसी को ऑफर दे, वो भी नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को जिनका जनाधार पूरी शिवसेना यूबीटी से कहीं ज्यादा है। नितिन गडकरी के सामने न उद्धव ठाकरे खड़े होते हैं न उनकी पार्टी। नितिन गडकरी का राजनीतिक सफर। गडकरी ने 1976 में नागपुर विश्वविद्यालय में बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 23 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1989 से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 1999 से 2005 तक महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। 2009 तक महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। 2010 से 2013 तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नागपुर से 2014 और 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए। बाकी दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सफर में क्या कुछ बताने को है ये दुनिया देख रही है। बाल साहब की बनाई शिवसेना को बर्बाद करना, सत्ता के लिए विपरीत विचारधारा से समझौता करना और इन सब के बावजूद गडकरी जैसे नेता को ज्ञान देना, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या गडकरी उद्धव ठाकरे के ऑफर को स्वीकार कर बीजेपी छोड़कर उनके साथ हो जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।